हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पटेल और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चेचिस क्या होता है। काफी बेहतरीन सा टॉपिक होने वाला है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज आती है कि आखिर चेचिस होता तो होता क्या है। एक आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे आप कभी भी स्कूल आपने देखा है, ठीक है, मैं आपसे बात करूं, अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल में एक बिल्डिंग है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट है, टेबल एंड चेयर है, प्लेग्राउंड है, ठीक है, इन सबका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, स्कूल कहलाता है। ठीक इसी तरीके से चेचिस क्या होता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं किन किन चीजों से ये मिलके बना होता है। सबसे पहला फ्रेम, हम व्हीकल की बात करें, फ्रेम मतलब क्या होता है, जो बॉडी यहाँ पे हमारे व्हीकल का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। दूसरा, वो आगे आपको समझ में जाएगा फ्रेम क्या होता है। दूसरा प्राइम मूवर यानी कि इंजन। तीसरा ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि गियर बॉक्स, क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल गियर। ये सब क्या आते हैं हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में। तीसरी चीज कंट्रोल्स जैसे ब्रेक, स्टेरिंग। चौथी चीज ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है समझना आप, सिंपल सी भाषा में मैं कहूं कि जैसे गाड़ी की हेडलाइट है, पीछे की हेडलाइट है, और क्या कह सकते हैं, गाड़ी में एसी है जो चल रहा है, और कह सकते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत पड़ती है जो आप सेल्फ मारते हैं, तो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन ऑक्सिलरी कहलाता है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चेचिस का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स, जैसे कि प्राइम मूवर, फ्रेम, सस्पेंशन सिस्टम, और हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपसे बात करूं इंजन्स की, जैसे मैं आपसे बात करूं प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह, ये सब क्या है, एक कंबाइन होते हैं और इसी सभी कॉम्बिनेशन को मिला के हम उसको कहते हैं चेचिस। आई होप आपको यहां से समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि चेचिस उसे कहते हैं, देखिए किसे कहते हैं, अ व्हीकल विथआउट बॉडी। ठीक है, अ व्हीकल विथआउट बॉडी इज नॉन एज चेचिस। बहुत सारे लोग इसको चेचिस, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन करने का अलग होता है, मैं इसको चेचिस बोलता हूं। दूसरी चीज हम चेचिस किसे कहते हैं, तो पहला तो हमने बता दिया, लिखना कैसे हमें हमारा आंसर, चेचिस इज द कॉम्बिनेशन और कंसिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लाइक सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, दूसरी चीज सस्पेंशन सिस्टम, व्हील्स, बेसिक स्ट्रक्चर में फ्रेम, एक्सल, ये है हमारे क्या बेसिक स्ट्रक्चर में, पहला हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एंड क्यों लगाया है, ये पहला था बेसिक स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा प्राइम मूवर। यहाँ पे एक और कोमा लगा सकते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दे, और यहाँ पे प्राइम मूवर लाइक इंजन। ठीक है, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, कंट्रोल्स। ठीक है, कंट्रोल्स में कंट्रोल्स लाइक स्टीयरिंग एंड स्टेयरिंग, और दूसरी चीज ब्रेक। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कंट्रोल्स हो गए। तीसरी फोर्थ चीज ऑक्सिलरीज लाइक स्टार्टर, और क्या हो सकता है, स्टार्टर के अलावा हम जैसे कह सकते हैं हेडलाइट, एसी, और गाड़ी में और क्या क्या होता है, एसी, हेडलाइट, बैकलाइट, और हमारा ब्रेक की भी लाइट होती है, और क्या हो सकता है, आप लोग बताइए, ऐसे बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। एक और हो सकता है, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, चेचिस किसका किसका कॉम्बिनेशन है और किस किस चीजों से मिला है। पहला बेसिक स्ट्रक्चर में चार चीजें होती है, ये खुद में ही एक चैप्टर है आगे आपके आने वाले ऑटोमोबाइल में। दूसरी चीज प्राइम मूवर में आपका इंजन आता है, कंट्रोल्स में ब्रेक और स्टेयरिंग, ऑक्सिलरीज में ये, और सबसे जरूरी चीज ट्रांसमिशन सिस्टम।
ट्रांसमिशन सिस्टम में हमारा क्या आता है, लाइक यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली चीज हमारा क्लच, दूसरी चीज गियर बॉक्स, ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट, और हम क्या लिख सकते हैं, सबसे मेन चीज डिफरेंशियल, डिफरेंशियल बॉक्स या फिर डिफरेंशियल गियर, और एक जरूरी चीज यूनिवर्सल जॉइंट। तो ये क्या है, आप एक बहुत अच्छी तरीके से आप चाहे तो यहां पे बता सकते कि अगर चेचिस क्या होता है, उसको चेचिस की ये चीजें आपने लिख दी ना, तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप ऑटोमोबाइल्स का एक वीडियो देखना चाहते हैं जहां पर मैंने बताया कि आखिर ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, बेसिक कंपोनेंट क्या है, एक बेहतरीन से डायग्राम के थ्रू बताया, लिंक जो है प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया कि आखिर चेचिस क्या होता है। आप इस चीज को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने आप लिख लीजिए चेचिस क्या होता है। इसके बाद हम